राजस्थान के हल्दी घाटी की ओर से तीखे तेवरों की माटी लखनपुरी को अपने प्रणाम के निवेदित करता हूं। आपकी तालियां इस पर आ जानी चाहिए थी, मैंने जानबूझकर लखनऊ नहीं बोला है जी भैया, यहीं से मेरा परिचय भी शुरू हो जाता है। मेरी छोटी बहन ने जो कविताएं पढ़ी हैं, मैं समझता हूं कविता सम्मेलन तो हो चुका है, कवि सम्मेलन होना बाकी है जिसके लिए मैं खड़ा हूं यहां पर। क्या बात है विनीत, इतनी श्रेष्ठ कविताएं उसने कह दी हैं कि ऐसी कविताएं मंचों पर मिल नहीं रही हैं, लेकिन क्योंकि परंपराएं हैं मंच की, हम सबको काव्य पाठ करना है। पुराना जमाना था, आलम भाई यहां बैठे हैं, जिस समय पुराना जमाना था तो और मुशायरे में यदि कोई कवि या कवित्री या शायरा बेहतरीन कोई शेर कह देती तो क्षमा बुझा दी जाती थी। यदि आज ये अधिकार हुआ होता हमको तो ये कविसों की क्षमा उस समय बुझ चुकी थी जिस समय मेरी छोटी बहन ने काव्य पाठ यहाँ कर दिया। बहुत अच्छे विनीत भाई, जिंदाबाद। मेरे मन में भी आती है झूम के कजरी गाने की, मैं आपकी नींद भगाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं खुद भी अपनी नींद भगा रहा हूं। मेरे मन में भी आती है ढपली उठा बजाने की, मेरा मन भी मचला करता मेहंदी बिंदिया काजल पर, कभी गीत लिखने को कहता रस बरसाती पायल पर, लेकिन तभी दिख जाता है लोहू से लथपथ आंचल, मेरी बौराई सी माँ का तन घायल और मन घायल, तभी लेखनी से कहता हूँ अंगारे बरसा दोरी, ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को वारा धोरी, काजल फेंको चंडी को वारा धोरी। मैं एक पंक्ति में विषय जानना चाहता हूँ, यदि आप कहेंगे उस विषय पर पढ़ना है तो आपकी तालियां मुझे सूचना दे देंगी, वरना तो मैं अपना गेयर भी चेंज कर लूंगा। आप आदेश दें तो हिंदुस्तान की एयर सर्जिकल स्ट्राइक पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। पुलवामा कमाल है विनीत, कमाल लिखा है आपने भैया, बहुत अच्छा। ये अलग बात है हिंदुस्तान में ये 70 सालों के इतिहास में जो कुछ सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं, मेरे वाक्य को ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता यहां किस राजनीतिक पार्टी के दुशाले ओढ़कर यहां बैठे हैं, हिंदुस्तान के बेटे होकर मेरी बात को सुनना। जंगल की राजनीति में मेरा वाक्य देश पहली बार सुनेंगे आप, सर्वेश भाई पहली बार सुनेंगे, यदि अच्छा लग जाए तो मैं किन के लिए बोल रहा हूं मेरी बात पहुंचे। जंगल की राजनीति में टाइगर के शिकार करने पर गिद्धों ने भी इतने सवाल खड़े नहीं करे जितने सेना के शिकार करने पर इस देश के नेताओं ने खड़े कर दिए। किसी भी मुल्क में सेना से यह कभी नहीं कहा गया कि तुमने काम किया कि नहीं किया। याद रहे, देश की राजनीति ने नहीं कहा कि ऐसा हुआ था, देश की सेना ने कहा था कि हमने ऐसा कर दिया है। तो लोगों ने कहा कि 200 पेड़ गिरे हैं, मैंने कहा उनकी लिस्ट आ गई है, थोड़े दिन बाद पता लगेगा, कीकर खां, पीपल खां, नीम खां, वो 200 की लिस्ट आ चुकी है। मैंने इशारे में अपनी बात कह ची, कुछ लोगों को कल समझ में आएगी। कहते कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, जरा एक लाइन समझ जाए लखनपुरी के लोगों तो मैं अपनी कविता शुरू कर दूं। आतंकवाद के अंधड़ को 70 साल हो गए हमें गिड़गिड़ाते हुए, अभी यहां एक केशधारी पगड़ी बैठी थी, मैं गुरु गोविंद से एक भी बेटे को देख लूं तो गुरुद्वारा मानकर उनकी पगड़ी को सर झुका लेता हूं। मेरे एक वाक्य को समझना, 70 साल हो गए हमें अचकन पर गुलाब लगाकर सफेद कबूतर छोड़ते हुए, हिंदुस्तान की राजनीति ने पहली बार गुरु गोविंद सिंह के बाज लाहौर की तरफ छोड़े तो देश की तकदीर बदलना शुरू हो चुकी थी। बहुत अच्छे, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। आतंकवाद के अंधड़ को, अब आपको लग जाए विनीत चौहान शुरू हो गए तो मुझे बताना, मैं नई कविता शुरू कर रहा हूं। आतंक कहते कुछ हुआ नहीं, मैं कह रहा हूं क्या हुआ है। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। बहुत अच्छे, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है, लो हमने दुम सीधी कर दी उस कायर क्रूर पड़ोसी की। अगली लाइन समझ जाए तो तालियां उधार मत रखना, लो हमने, ये और आपकी दोनों की परीक्षा में इशारे में एक कंट्री का नाम ले रहा हूं, लो हमने दुम सीधी कर दी उस कायर क्रूर पड़ोसी की, जो उछल रहा था आड़ लिए उस चीनी बिल्ली मौसी की, जो उछल रहा था आड़ लिए उस चीनी बिल्ली मौसी की। हमारे जवान जब बड़े होंगे कॉकपिट में बैठकर MiG-21 के अंदर, उन्होंने सोचा नहीं था कि हम वापिस लौट करके आएंगे। लोग कह रहे हैं कि घटना नहीं हुई है, घटना हुई कि नहीं ये मालूम नहीं है। सर किसी दरवाजे पर जाकर आप ठोकर मार दें अपने शत्रु के, वीरता की कहानी तो वहीं से लिखनी शुरू हो जाती है। यदि हमारे MiG-21 विमान 80 किलोमीटर घुस गए अंदर तो वीरता की कहानी की तो भूमिका लिखी जा चुकी थी। तब विनीत चौहान लिख रहा है कि 12 दिन में 12 मिराज
मुझे ऊर्जा भी मिली नहीं है जब मैं शुरू हो जाऊं तो 12 दिन में 12 मिराज जाकर सब मर्ज मिटा आए। जो खून गिरा पुलवामा में उसका सब कर चुका है, जो खून गिरा पुलवामा में उसका सब कर चुका है, जो खून गिरा पुलवामा में उसका सब कर चुका है। बार बार समझाने पर वो बिल्कुल बाज नहीं आया, बार बार समझाने पर वो बिल्कुल बाज नहीं आया। कर सीमा बार बार समझाने पर वो बिल्कुल बाज नहीं आया, छिप छिप कर वार करे उसने कर सीमा पार नहीं आया। फिर 56 इंची सीने का हमने भी यो इछार किया, गद्दारों को घर में घुसकर दमदारी से मार दिया, जिंदाबाद गद्दारों को घर में घुसकर दमदारी से मार दिया। ये तो छोटा सा ट्रेलर है। अब अगली लाइन मुझे बोलनी नहीं है। आलम भाई बताते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था है कि ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा बताया गया है। आलम भाई ने बताया मुझे अभी, तो मैंने 2 लाइन ताजा लिखी है अभी। ये तो अब जो समझ जाए वो मुझे बताए, ना समझो पड़ोसी से पूछ रहा मैं बोल क्या रहा हूं। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे भी तैयार रहो। सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार सब काश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा। भारत के वो दिन दूर हुए, मुझे कहा गया है कि मुझे आचार संहिता में बोलना है। मैं दावा कर रहा हूं मैं एक भी शब्द राजनीति का लूंगा नहीं, और आप समझ जाएंगे। यह भी दावा विनीत चौहान आपके सामने कर रहा है, बस सीडी को 5 साल पीछे घुमा लीजिएगा, पहली लाइन में मजा आ जाएगा। भारत के वो दिन दूर हुए, यह पहली बार हिंदुस्तान के तेवर से बोला गया। हमारे यहां आतंकवादी ने भोजे, ये भाषा हिंदुस्तान की थी अब तक, हमारे यहां आतंकवादी ने भेजे, ऐसे निमटते हैं। पहली बार हिंदुस्तान की तस्वीर से कोई बोलता है। एक भी गोली यदि सामने से चल जाए तो इधर से चलने वाली गोलियों की संख्या गिनी ना जाए फिर उसके बाद। यह हिंदुस्तान पहली बार बोला। तो मैं कह रहा हूं 5 साल पीछे जाइएगा, भारत के वो दिन दूर हुए, समझ जाए तो पीछे तक लोग मुझे इशारा करना मैं कहां बोल रहा हूं। भारत के वो दिन दूर हुए जब हाथ जोड़ घिघियाते थे, सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। सच बोला भैया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। बहुत अच्छे। भारत के वो दिन दूर हुए जब हाथ जोड़ घिघियाते थे, सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। अब हम भी आंख मिलाएंगे दुनिया भर के दादाओं से, अब दो दो आंख करेंगे हम इन दाऊद के हाकाओं से। भारत माँ अपने माथे की ये पीर नहीं सह पाएगी, अब गद्दारों की फसल यहाँ जड़ से ही काटी जाएगी। अब गद्दारों की फसल यहाँ जड़ से ही काटी जाएगी, अब गद्दारों की फसल यहाँ जड़ से ही काटी जाएगी। अब कान खोल कर सुन ले जग, मुझे नहीं पता मेरे साथ कितने लोग होंगे इस लाइन के ऊपर। अब कान खोल कर सुन ले जग, माफी का काम नहीं होगा, जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा, जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा। और ये तेवर हमारे एक बेटे ने दिखा दिया। बहुत अच्छे विनीत, बहुत अच्छे। सवाल ये नहीं है कि वो बेटा वापस लौटा, याद रखिएगा उसे MiG-21 विमान मिला था सन 1960 में बना हुआ, और पड़ोसी मुल्क के पास F-16 विमान था जो विश्व का सबसे तेज लड़ाकू विमान है। मेरी टिप्पणी पर आपकी मुझे भरपूर तालियां चाहिए उस बेटे के शौर्य पर। मुझे ऐसा लगा जब वो MiG-21 लेकर के F-16 को गिरा के आया जैसे किसी ने बजाज स्कूटर से बुलेट ट्रेन जाके गिरा दी हो। मेरा दोस्त दिनेश रघुवंशी मेरे से कह रहा था, मैं से चर्चा कर रहा जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया। मैंने कहा भाई ये लौटेगा कि नहीं लौटेगा, कह लेगा बिल्कुल लौटेगा, मंगलवार का दिन है, हनुमान का बेटा है, जरूर लौटेगा। मैंने कहा हनुमान के तो पूंछ थी, अगले ने जो जवाब दिया लाजवाब था, कह लेंगे इसके मूंछ है और डबल तरफ है, अच्छी पर्याप्त मात्रा में है भाई। लेकिन हमारे मित्र बड़े आदित्य दिवे जी उससे भी ज्यादा चमत्कारी आदमी है, कह लेंगे भाई साहब अब अगली लाइन बड़ी प्यारी सी है, बस भरपूर ताली बजा देना मुझे जो कहना है। कह लेंगे यार पाकिस्तान के लोग खुश हैं कि नरेंद्र मोदी ने हमला करवाया, ये योगी जी ने नहीं करवाया, वरना बालाकोट का नाम बदल करके बालाजी की कोठी भी रख सकते थे। बहुत अच्छे। पाकिस्तान में डांस हो रहा है इस बात के ऊपर, कहना यार बच गए थोड़े से, वरना अब तक तो नाम बदल चुका होता। लेकिन वो बेटा जब कॉफी का मग लेकर उस मेजर के सामने खड़ा था, हिम्मत को दाद देना, हमारे यहाँ मीडिया के लोग बैठे हैं, एक नया शब्द चला है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, उसके गर्दन सीधी करे कॉफी के कप से, उससे पूछा सामने वाले ने मेजर ने व्हाट वाज योर मिशन, उसने कहा सॉरी सर आई कांट टेल यू माई मिशन। ये हिंदुस्तान का बेटा बोल रहा था उनमें बीच में जाकर के।
मैं आपकी कमजोर तालियों के बीच उस बेटे के नाम चार लाइन पढ़ रहा हूं। मैं दावा करता हूं यदि इस पर आपकी ताली ना खड़ी होगी तो मेरा नाम विनीत चौहान जी विनीत भैया कि सूरज को कैद रखा कुछ दिन कमाल है ये भैया। मैं शुभ कविता पढ़ रहा हूं, अगली बार पूरा सदन एक साथ ताली बजा देगा हाथ खड़े करके। सूरज को कैद रखा कुछ दिन उस पागल से अंधियारे ने, दो दिन में ही हार मान ली झुककर चांद सितारे ने। शुक्रिया आपका, दुआएं भाई विनीत कमाल है। सूरज को कैद रखा कुछ दिन, सूरज को कैद रखा कुछ दिन उस पागल से अंधियारे ने, दो दिन में ही हार मान ली झुककर चांद सितारे ने। वो चक्रव्यूह के बीच घिरा, समझ जाए तो मैंने फिर कहा मेरा मन रख दीजिएगा, वो चक्रव्यूह के बीच घिरा पर अभिमन्यु सा तना रहा, वो पागल श्वानों के बीच खड़ा पर बबर शेर सा तना रहा, वो पागल श्वानों के बीच घिरा पर बबर शेर सा तना रहा, वो कौरव दल के बीच घिरा, वो कौरव दल के बीच घिरा पर कुरुसेना से डरा नहीं। मुझे मन दीजिए, मैं कविता शुरू कर चुका हूं। वो कुरुसेना के बीच घिरा पर कौरव दल से डरा नहीं, अभिनंदन का अभिनंदन है वो जयद्रथों से मरा नहीं। बहुत अभिनंदन का अभिनंदन है वो जयद्रथों से मरा नहीं, वो जयद्रथों से मरा नहीं। मैं तो देश के चौकीदार से बोलूं उससे पहले दो लाइन कह देता हूं। क्यों नींद पाक की उड़ी हुई, मैं जल्दी से बोल रहा हूं, ये भाषा सर्वेश भाई की है लेकिन आज मुझे बोलनी पड़ी है, उनका मेरी जगह तुम बोल देना। उसका टमाटर और पानी बंद किया है, जल्दी से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। टमाटर और पानी बंद किया है, खाना पीना और धोना तीनों बंद हो चुके हैं अगले के। अजद मसूर अपनी किडनी लेके बैठा हुआ है। क्यों नींद पाक की उड़ी हुई, भारत के चंद फैसलों से, पहुंच जाना मैं जहां बोल रहा हूं। क्यों नींद पाक की उड़ी हुई, भारत के चंद फैसलों से हो गई कराची तक हलचल सेना के तुंग हौसलों से, हो गई कराची तक हलचल सेना के तुंग हौसलों से। तुम सुनो ध्यान से पदचापे जो अब सरहद से आती हैं, तुम सुनो ध्यान से पदचापे जो अब सरहद से आती हैं। तुम जैश मोहम्मद की छोड़ो पिंडी थर 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 राती है, तुम जैश मोहम्मद की छोड़ो पिंडी थर 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 राती है। क्यों नींद पाक की उड़ी हुई, भारत के चंद फैसलों से। मैंने कहा जो कुछ भाषाएं बदली हैं, मैं देश के चौकीदार से कुछ कहना चाहता हूं। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, ये मेरे बात को समझना। मैंने 13 बार मोदी जी के सामने कविताएं पढ़ी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी शायद मैं इस मंच का इकलौता कवि हूं जिसने लाल किले से अपनी कविताएं पढ़ दी थी। मेरा भाई दिनेश रघुवंशी पढ़ चुका, लेकिन जो भाषा मैं बोल रहा हूं सर्वेश भाई की उपस्थिति में 3 कवि हो गए जैसे उन्होंने बताया, इस भाषा को समझना मैं जो बोल रहा हूं। इसमें एक लाइन कविता की है बस मेरे पास आज, पंडित जी इस एक लाइन को समझना जो मैं कह रहा हूं। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, ना भी समझ में आए तो मेरा मन रखने के लिए अगली लाइन पर आप कविता बजाना किस ताली की मंच से ऐसी कविता की भाषा बोली जा सके। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, इस भारत मां ने टाक दिए अक्षत माथे की रोली में, इस भारत मां ने टाक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे, गांडीव रखो या तजो शस्त्र ये सब निर्भर अब तुम पर है, पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है, पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है, पर भारत मां की। पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है, उठ करके बाहों में भर लो सारा आकाश तुम्हारा है। इसकी अंतिम लाइन मैं दावा कर रहा हूं ये पूरा सदन एक साथ बोलेगा मेरे साथ, उठ करके बाहों में भर लो सारा आकाश तुम्हारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। विनीत भाई कमाल इस बात का हो गया कि यहाँ सामने बैठे विष्णु त्रिपाठी जी बिल्कुल 50 वर्षों से लंकेश बने मुझे पता चला, बिल्कुल एक बार उनके उसी अंदाज को, मैं चाहता हूं ये सदन उस अंदाज को अपना अंदाज समझकर एक बार तालियां दे। और विनीत भाई ने जिस ऊंचाई तक कविता पहुंचाई है ये थोड़ी तालियां, दो चार लोग ऐसे हैं जो अभी भी, मैं चाहता हूं ये सदन दोनों हाथ खड़े करके बताए एक बार पूरी जीवन तक। प्रणाम त्रिपाठी जी, बहुत बहुत। लंकेश जी हमारे पुराने आदरणीय संरक्षक मित्र हैं, जब सामने बैठते हैं तो हमारा मन हो जाता है प्रणाम की कविता की भाषा क्या हो। क्या बात है सर। आदरणीय मिश्रा जी आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं विजात भाई, जिस युवा नेतृत्व में आप लगे हुए हैं मैं उसी खून के तेवर का लिखने वाला एक कवि हूं जो आपके अपनी बातें पहुंचा रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि उसे जैसे कुत्ते की पूंछ को कहते हैं ना, 16 साल भी लोहे की नली में रखो तो प्रश्नवाचक चिन्ह बन के ही वापस बाहर निकलती है। मेरा कहने का तरीका थोड़ा अलग है,
मेरे को सुनने के लिए मेंटली पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। कबीर पर पीएचडी हो रही है, समझ लिया आप कबीर के खानदान के, लेकिन मेंटली पोस्ट ग्रेजुएट रहना। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, मुझे ऊर्जा देते रहेंगे वहां तक कविता चलेगी, वरना कहां खत्म कर दूंगा पता भी नहीं लगने दूंगा। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी इसके बापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी इसके बापों को। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, या मीडिया के लोग बैठे हो तो मुझे छापे तो कल इस लाइन के साथ छापे कि इंच इंच कश्मीर भला, मैं धीरे से पढ़ूंगा लेकिन आपके दिल के कलेजे की बात निकाल दूं तो फिर आपकी ताली मिले। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची ले लोगे। कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे तुम, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे तुम। पहले जाकर तुम पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। तब 1,00,000 सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल हिंदुस्तान की सेना के नाम गिनीज बुक में दर्ज है। वो कहता है हमने एक छोड़ा है, एहसान कर दिया, संसद में गुणगान हो रहा था उसका पाकिस्तान के, सर हमने 93,000 सैनिक शस्त्र सहित छोड़े हैं उनके, जो भारत के एक जनरल अरोड़ा के पैरों की जूतियां चाट रहे थे उस समय पर। अभी 92,999 का कर्जा है भी उसके ऊपर, हिंदुस्तान कर्जा नहीं रखता किसी का। तब 1,00,000 सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए, ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विस्तर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। एक लाइन में वहां का एक सांसद महोदय का नाम आ गया है, मुझे अच्छा लगता है, आपको भी आनंद देगा, तालियां भी बजवा लेगा, मैं दावा कर रहा हूं। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है मत समझ हीना रब्बानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है मत समझ हीना रब्बानी है। आज मुझे अच्छा लगा आप उनकी नॉलेज रखते हैं, और मिश्रा जी ने ताली बजाई इससे उनके टेस्ट का भी पता लगा मुझे। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है मत समझ हिना रब्बानी है, ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। मैं अंतिम लाइन पढ़ के आपसे विदा हो रहा हूँ, समय की अपनी सीमाएं हैं, मैंने जो कुछ कहा है उस पर अपनी बात को ध्यान रखिएगा। आदित्य भाई पिछले 20-25 साल से मुझे लखनऊ बुलाते रहे हैं, पिछले 2 वर्ष में आदित्य भाई एक उपलब्धि मेरे खाते में जुड़ी है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में इस समय मैं हिंदी सलाहकार के छोटे से पद पर डेप्यूट हो गया हूं। मैं तो मेरे मंत्री ने हमसे कहा कि विनीत जी यहां कविताएं सुनाना बड़ा आसान है, कभी गए हो वहां ले लद्दाख में जहां -34 में हमारे बेटे बंदूकें लेकर खड़े हैं। मैंने कहा नहीं सर मैं वहां तो कभी नहीं गया। कहने के कभी जाओ पता लगेगा किस स्थिति में वहां सेना खड़ी है हमारी। मैंने कहा सर मैं जब वहां गया, दिनेश भाई उसका संचालन कर रहे थे गौरव का, ये बताएंगे इस विषय को, तो मैंने कहा जब मैं वापस लौटूं दिनेश भाई पानी की बोतल रखना, मैं सरस्वती के मंच पर खड़ा हूं, तुलसी के मंच पर खड़ा हूं, मैं एक भी शब्द झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जैसे वापस लौटा तो बोतलों में पानी नहीं था, उसमें बर्फ जम चुकी थी, उसकी फोटो हम खींच करके लाए थे। हमारे सैनिक ऐसे बंदूक पकड़े हुए बैठे थे। मैंने जैसे ये 2 लाइनें पढ़ी हैं उन्होंने गुस्से में इतनी ताकत से बंदूक भींची कि बर्फ पिघल करके पानी में तब्दील हो चुकी थी। दोनों हाथ उठाइए, तमाम लोगों से दरखास्त मेरी, वो 2 लाइन मैं पढ़ रहा हूँ। जिंदाबाद। हमारे राजनीति के बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, सामने भी दोनों पार्टियों के लोग बैठे होंगे, मुझे इस लाइन पे पता लग जाएगा कि कांग्रेस वाले कहाँ बैठे हैं और भाजपा वाले कहाँ बैठे हुए हैं। ये 2 लाइन तय कर देंगे आपको। दोनों लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ सर, दोनों पार्टियों के लोग ये भ्रम निकाल दे अपने दिमाग से कि कश्मीर समस्या का समाधान चाय की चुस्कियों के साथ टेबल पर बैठ करके हो जाएगा। क्या बात है, मेरी लाइनों पर इतनी ताली बजे कि दिल्ली मेरी सूचना पहुंचे। कश्मीर समस्या का समाधान जिस दिन भी होगा सेना के जूते की नोक के बलबूते पर होगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास में। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, हम सोए नहीं है अभी 18 दिनों से, सुबह दिनेश भाई और मुझे दोबारा दिल्ली उड़ना है विमान में, मैं एक दिन और नहीं सोना चाहता। आपकी तालियां विमान में पीछा करें, मैं उम्मीद करूंगा मुझे आप एक रात और जगा दें। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, मुझे विदा कीजिए भरपूर तालियों से, मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन। विनीत भाई
मैं वो मंत्री वाला प्रकरण भी मैं एक बार चाहता हूँ, एक ऐसा प्रकरण, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमेशा विनीत भाई जो किसी भी मंच पर पहली बार आते हैं, सैनिक की चिट्ठी या वो मैं विशेष सैनिक की चिट्ठी भी सुनाऊं विनीत भाई, लेकिन मैं चाहता हूं वो एक प्रकरण विशेष जरूर सुनाया जाए। और यहाँ बहुत सारे ऐसे युवा लोग होंगे जो आज पहली बार आपको सुन रहे हैं, एक बार ये पूरा सदन आदेशित करे तो बहुत ऊंचाई तक कवि सम्मेलन को लेकर गए विनीत भाई, असल में बहुत बहुत स्वागत। दिनेश मेरा बहुत ही पुराना जघन्य किस्म का दोस्त है, इसके रहते मेरे को कभी भी दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ी है। मेरी भी कोशिश है कविता पाकिस्तान ले जाके पढ़वाऊंगा आपको, मैं वही बता रहा हूँ, ये मेरे से यही कहता रहता है हमेशा, विनीत जी कविता को दूर दूर सुना, मैं कितनी दूर, कहना पाकिस्तान जाके सुना तू इसको। मैंने कहा यार तू मुझे निमटाना चाहता है कि पाकिस्तान को, कहना मैं निमटाना तो तेरे को ही चाहता था, फिर मैंने सोची यहाँ एक वीरस का कवि कम हो जाएगा, तो मैंने आदित्य जी से कहा, मैं कहा सर ये कवि मरवाएगा मेरे को, कहला छोड़ो ऐसे बहुत निपटाए अपन ने संचालक, 25 साल हो गए काम करते हुए, तरीका मैं बताता हूँ इसको निपटा, तरीका इन्होंने बताया मैंने इसे निपटाया, लेकिन अगला हेल्थ के हिसाब से मुझे निपटा के चला गया। मैंने कहा देख दिनेश भाई पाकिस्तान, जब मेरे को मरना तो था नहीं तो मैंने तरीका निकाला बचने का, मैं कहा देख पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, किराया बहुत लगेगा, मैं कभी आदमी पैसे का नाम सुनते कहते मत जा, कंजूस आदमी अगला, खाने से ही लग रहा होगा आपको, पड़ोसी के खा के पता है, लेकिन अगली बात जो उसने कही आपको पता लग जाएगा मैं इस आदमी से दूर क्यों बैठता हूं। कहले विनीत भाई किराए की चिंता मत करना पाकिस्तान जाने के लिए, एक तरफ का जाने का किराया मैं दूंगा, समझ में आ गया कि दोबारा बताऊं। मैं कहा दुष्ट आत्मा वापिस आने का, कहले वो नहीं लगे तेरा लक्षणों से जैसी कविता तू सुना रहा है, तेरी मूर्ति लगेगी लाहौर के अंदर, ये मेरे ऐसे दोस्त हैं सर, लेकिन मैं सच बता रहा हूं बहुत दुख के साथ आपको मैं सूचना दे रहा हूं, जब मैं लौटा लेह लद्दाख से दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर एक वीडियो वायरल हो चुका, मैं कोशिश करूंगा आपकी बात भी रख दूं, वो वीडियो मेरे मोबाइल पर वायरल हो चुका था, हमारे कुछ कश्मीर में सैनिक अपने बैरकों में वापस लौट रहे थे, कंधों पर राइफलें टांगे हुए थे, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वीडियो देखा हो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वहां के बदतमीज लड़के उनके गालों पे तमाचे मार रहे हैं, उनके हेलमेट पैरों में ठोकरें खा रहे हैं, लाते मारी जा रही है उनको, यकीनन आप में से कितने लोगों ने वीडियो देखा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, शुक्रिया। मैं यही जानना चाहता था इस देश की सेना की दुर्गति कश्मीर में हो क्या रही है, तो मैंने पूछा कि ये हो क्या रहा है सर, कहला ये तो इनके धैर्य की परीक्षा है, मैंने कहा नहीं सर ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है, 70 साल में राजनीति ने जो कायरता के बीज कश्मीर में बो दिए हैं हमारी सेना को गालों पर तमाचे के रूप में झेलने पड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं उस दिन कुछ नहीं लिख पाया, मैं क्रोध में था, क्रोध में बोलता भी क्या, हमारे बड़े कवि हरिओम पवार जी मेरठ के, उन्होंने 2 लाइन व्हाट्सएप पर भेजी इस घटना पर, यदि वो सो रहे हो इस समय मेरठ में तो उनकी नींद में खलल पड़ जाए, मैं उन्हें याद कर रहा हूं, इस बार मुझे आपकी हथेलियों में तालियां नहीं चिंगारियां चाहिए, जब ये सीन आप लोगों ने देखा होगा, किसका खून नहीं खोलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, मुझे जिंदा लखनऊ चाहिए इस बार, किसका खून नहीं खोलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कट गई थी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कट गई थी कुत्तों के दरबारों में। तो विनीत चौहान ने 4 लाइन लिखी, सुन लीजिएगा, कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी, मैं एक भी लाइन गलत बोलूं, अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा तुम झूठ बोल रहे हो, और मैं सच के दरवाजे पर पहली दस्तक दे दूं तो कोई खामोश ना हो, कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं, बहुत हो चुका मोदी जी इनको समझाना बंद करो, आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा, कम से कम लखनऊ जिंदा तो है, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, ये हिम्मत भी अकेले मेरे की है, मैंने लाल किले से इस कविता को पढ़ा है, मैं जानता हूं मैं किस मंच पर खड़ा हूं, किनके सामने कविता पढ़ रहा हूं, मेरे सलीके पर और मेरी हिम्मत पर दाद देना अगली लाइन में क्या कह रहा हूं, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, और सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं, इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर भौंकें और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपें, तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये। एक छोटी कविता मैं कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं, घायल सैनिक की चिट्ठी मेरे जिंदगी की
पिछले 31 सालों की कमाई है। मैंने इससे अच्छा भी कविता में लिखा है नहीं, ऐसा ये बड़े लोग कहते हैं, लेकिन मैंने इससे सच्चा नहीं लिखा है, ये मैं कह रहा हूं। मैं राजस्थान के जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूं पिछले 30 सालों से, वहां मेरा स्टूडेंट था नरेंद्र नाम का, वो करगिल की घाटी में युद्ध के लिए गया। आप सब लोग कहेंगे इसमें क्या नया है, राजस्थान को मरना और मारना तो खून में सिखाया जाता है, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है, शीश कटने पर लड़े कबंध, वीर की तभी रवानी है, प्राण ये हिंदुस्तानी है, रक्त ये राजस्थानी। क्या बात है विनीत, ये बात तो मैंने खून में सीख ली थी, लेकिन जो अलग सी बात है आपसे बांटना चाहता हूं। 21 साल का नौजवान सर, 20 दिन उसकी शादी को हुए और 22वें दिन वो करगिल की चोटी पर खड़ा था। वहां से उसने एक चिट्ठी लिखी उस पत्नी के नाम, उस मंगेतर के नाम, जिससे उसने 20 दिन पहले फेरे लिए। ये अलग बात है, चिट्ठी इतना लेट गांव में आई कि उससे पहले तिरंगे में लिपट के शव उसका गांव में आ गया। मैंने उस चिट्ठी को खोलकर रोते रोते पढ़ा और पढ़ते पढ़ते मैं रोया। उसमें एक शेर लिखा था उस बेटे ने, भूल जाना आज की रात विनीत चौहान क्या चीखा क्या चिल्लाया। उस बेटे के उस अनपढ़ से शेर को याद रखना जिसमें कोई बहर नहीं है, कोई वजन नहीं है, लेकिन दिल निकाल के रख दिया उस बेटे ने। मैं कोई नहीं कहूंगा आप सर आप ताली बजाना, मैं कहूंगा आप रोक के बताना। उस बेटे ने लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। जिंदाबाद है। वो बेटा लिख रहा है अपनी 20 दिन पहले की मंगेतर को, जो लोग कहते हैं प्रमाण दो, जरा उनके गालों पर तमाचे जाएं इस बार आपके हथेलियों से। यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। बहुत मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। ये वो पीढ़ी है जिसने भारत जिंदाबाद लिख दिया, नभ से लेकर के सागर तक और सागर से लेकर हिमालय की चोटियों तक। उस पर जब सवाल उठाए गए तो उसी बेटे ने कहीं पर लिखा, जब उसे प्रमाण मांगे गए, मेरे पैर के छालो लहू बिलो, इससे ज्यादा क्या रोता वो सैनिक, मेरे पैर के छालो। उस बेटे ने, मेरा दोस्त है कैप्टन जगविंदर सिंह, उसने कहा विनीत दर्द होता है जब सेना से प्रमाण मांगे जाते हैं, हम 7-7 दिन भूखे लड़ते हैं करगिल की घाटियों के ऊपर खड़े होकर। मैंने कहा जगविंदर इतना भी झूठ ना कहो, मुझे अच्छी तरह मालूम है मेरे परिवार के 3 बेटे सेना में हैं, तुम्हें 7 दिन की गोलियां और 7 दिन की रोटियां एक साथ दे दी जाती हैं, फिर तुम भूखे कैसे लड़ते हो, मेरे रोंगटे खड़े। उसने जो जवाब दिया, उसने कहा विनीत भाई बात तो सही है कि 7 दिन की रोटियां और गोलियां एक साथ दी जाती हैं, लेकिन हम रोटियां केवल 3 दिन की इसलिए लेकर के जाते हैं सरहदों पर कि रोटियां कम पड़ जाएं ऊपर, गोलियां कम न पड़ जाएं सरहदों पर हमारी। तब वो बेटा लिखता है, सुनिएगा एक छोटी सी कविता, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। कविता की पंक्ति पंक्ति पर जोड़ना, मेरे पास इससे अच्छी आज की रात कुछ नहीं है। बहुत अच्छे। माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता कुछ शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलयकर दिख रहा हूँ, रक्त की होली रचाए मैं प्रलयकर दिख रहा हूँ, माँ उसी शौर्य से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, माँ उसी क्षण से तुमको, मैं जब चिल्लाऊंगा नहीं आपका मन मेरे साथ मिले, माँ उसी क्षण से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं कि युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटाऊं। काहे कविता के पार की इस भीड़ में बता देना मुझे, युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटाऊं, माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटाऊं, माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटाऊं। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है, तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शादा हुआ हूं, एक लाइन संभाल ले छोटी सी भीड़ में, कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शादा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोक से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोक से पैदा हुआ, बहुत लग रहा है सिंघनी की कोक से पैदा हुआ हूं। ये न समझो माँ कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूं, मैंने एक पंक्ति में यदि भारतीय संस्कृति गा दी हो तो मेरा मन रखना, मैंने एक अच्छी सी लाइन लिख दी है। ये तो हर किसी ने कहा सैनिक चिर निद्रा में खो गया, मैंने एक लाइन कुछ अलग कही है, ये न समझो माँ कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। दो पंक्ति पिता को लिखता है, सुनता हूं वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा देते हैं। इतिहास में पहली बार हमारे जवान बेटे की अर्थी को हमारे पिताओं ने, दादाओं ने कंधे दिए, मुखाग्नियां दी। कैसा लगा होगा उस पिता को जिसे जवान बेटे की अर्थी उठाई होगी। दो लाइनें आंसू रोक के सुनना, जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी।
इस पीड़ा को जीना थोड़ी देर मेरे साथ। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा। एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा, पर पिता वह भार अपना तनिक हल्का कर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृण को भर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृण को भर न पाया। ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है, आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। दो लाइन भाई को लिखता है। हमारे गांवों में कहावत है, वो भाई नहीं है वो तो मेरी बाई भुजा की ताकत है जो बंदूक लेकर पर्वत की चोटियों पर खड़ी है। मेरा छोटा भाई अभय निर्भीक मुझसे भी अच्छा वीर रस लिखने लगा है, ये लाइन अभय मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आसम आई, भाई कब याद आता है, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आसम आई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। ओ मैं क्यों याद आई सुनिएगा, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, बचपन में खिलाया होता है, मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूँ, पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहिन का ध्यान रखना। कविता बारीक होती है, आंसू की यात्रा चाहती है, एक भी आंसू छलके उसे छलकने देना। रुचि ये लाइन मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहिन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। अंतिम लाइन पत्नी से कहता है। मेरे मान्यता है हिंदू धर्म में सात फेरे लेने के बाद पत्नी सात जन्मों की यात्री हो जाती है। रिश्ते की सारी डोर चिता की राख पर जल जाती होंगी, टूट जाती होंगी, लेकिन पत्नी की पीड़ाएं अगले जन्म तक चली जाती हैं। यह मेरा अंधविश्वास भी हो सकता है, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी में यह माना गया है तो मैंने लिख दिया है। उसने तीन शर्तें रखी हैं पत्नी के सामने। मेरा दावा है हिंदुस्तान की कोई पत्नी पति के जाने के बाद ये तीन शर्तें नहीं निभा सकती, मैं दावा कर रहा हूं। लेकिन वो शहीद की पत्नी है तो उसने अधिकार से कुछ कह दिया। मुझे अंतिम लाइन पे विदा कीजिएगा। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं, कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तिया की साधिका हो, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तिया की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे, पूछते होंगे कि पापा हैं कहां कब आएंगे और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे, पापा हमको छोड़कर जाने कहां बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए बहुत हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं, तो तुम उन्हें समझाना कि उस जिद पे अड़ जाते नहीं हैं, और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। मैं यहाँ कुलदीप के हित शौर्य किस्से गढ़ रहा हूँ, एक आधी सी प्रतिज्ञा उसके हिस्से कर रहा हूँ, वंश की पावन धरोहर अब तुम्हीं को सौंपता हूँ, और मैं दुश्मन की गोली बंद प्रभंजन रोकता हूँ, तुम अकेली हो नहीं इस धैर्य को खोने न देना। भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्त पद की यात्रा से मैं क्या कविता लिखूंगा सर, उन लोगों के लिए दो लाइन कह रहा हूं। सैनिक भी विदा हो रहा है, मैं भी आपसे विदा चाह रहा हूं। इस बार जो भी ताली बजे पुलवामा के तमाम शहीदों के लिए बजे, जो हमारे इस देश में रक्त का एक नया इतिहास लिख करके चल गए हैं। तुम अकेली हो नहीं इस धैर्य को खोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्त पद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मैं अनुवाद नहीं करूंगा, मुझे सुन के बता देना, मैं सुना के बता रहा हूं। सप्त पद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सात जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी, सात जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो, सात जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं, मांग का सिंदूर।